अगर आप अपाचे 310RR लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित एंड वेलकम टू रिच इंडिया। अगर आप अपाचे 310RR खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो इस मोटरसाइकिल के फीचर्स एडवांटेज तो आपको पता ही होंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इसकी डिसएडवांटेज और वो सब कारण जिनकी वजह से आपको ये मोटरसाइकिल नहीं लेनी चाहिए और जिनकी वजह से बाकी राइडर्स इस मोटरसाइकिल से दूर भाग रहे हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है अपाचे 310RR की सर्विस कॉस्ट और इसके स्पेयर पार्ट की कीमत। अपाचे 310RR की सर्विस कॉस्ट और स्पेयर पार्ट की कीमत बिल्कुल BMW G310R के बराबर रखी गई है। मेड इन इंडिया होने के बावजूद भी इसकी सर्विस कॉस्ट और स्पेयर पार्ट की कीमत किसी इंपोर्टेड मोटरसाइकिल से कम नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अपाचे 310RR की फर्स्ट सर्विस की कीमत ₹5,000 होती है। दूसरा कारण है टेस्ट राइड मोटरसाइकिल अवेलेबल ना होना। आप TVS की डीलरशिप में जाते हैं और अगर आप चाहते हैं कि बाइक को बुक करने से पहले या फिर खरीदने से पहले आप इस मोटरसाइकिल की एक टेस्ट राइड ले लें तो वो पॉसिबल नहीं है। डीलरशिप के मैनेजर या फिर सेल पर्सन आपको सीधा बोलते हैं कि आप बुकिंग अमाउंट पे कीजिए, उसके बाद आप मोटरसाइकिल की टेस्ट राइड ले सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि कोई भी बायर किसी भी चीज़ को लेने से पहले टेस्ट या फिर ट्राई ज़रूर करते हैं, ना कि खरीदने के बाद उसको टेस्ट और ट्राई किया जाता है। तीसरा रीज़न है डीलरशिप की कमी होना। एक्चुअली इंडिया में TVS की डीलरशिप बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सभी डीलरशिप में अपाचे 310RR अवेलेबल नहीं है। चौथा रीज़न है अपाचे 310RR के कंपटीशन में आपको बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तरफ आपको मिल जाती है KTM RC390 और दूसरी तरफ बजाज डोमिनार 400। सिर्फ 50 से 60,000 रुपये ज़्यादा देकर आप KTM 390 अपने घर लेके आ सकते हैं। KTM 390 में आपको राइड बाय वायर, TFT कंसोल, ज़्यादा पावर और स्लिपर क्लच जैसे फीचर भी दिए जाते हैं। KTM RC390 का इंजन भी अपाचे 310RR से ज़्यादा रिफाइन है। वहीं डोमिनार कम बजट में एक कंफर्टेबल राइड है। मोटरसाइकिल बुक करने के बाद KTM RC और बजाज डोमिनार में वेटिंग पीरियड लगभग ना के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ अपाचे 310RR का वेटिंग पीरियड 3 से 4 महीने का है, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन सब कारणों के बाद भी अपाचे 310RR में बहुत सारी ऐसी खासियत हैं जिनकी वजह से आप ये बाइक खरीदना चाहेंगे, जैसे कि इसकी फिट एंड फिनिश, क्वालिटी जो कि बिल्कुल BMW के बराबर रखी गई है। अपाचे 310RR अपने साइज के हिसाब से 300cc की मोटरसाइकिल बिल्कुल नहीं लगती है। ये देखने में बिल्कुल 600cc की मोटरसाइकिल के बराबर आपको फील देगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू रिच इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।